सो विल स्टार्ट विथ रेगा एंड रेगा फर्स्ट वन इज योर्स. चलो देखते हैं कि कौन है एंड उनको क्या बोलना है तेरे बारे में. मैं शुरू से बताती हूँ कि उसने गेमिंग कहाँ से शुरू की, कहाँ से उसको लगी लत गेम खेलने की. तो अर्लियर ही यूज्ड टू प्ले मिनी मिलिशिया इन मदर स्कूल. ही वाज 15 और 16 एट दैट टाइम. स्कूल में था तो फोन नहीं था अपना, तो मम्मी के फोन पे खेलता था. सो स्कूल से आया, गेम रात को गेम, मतलब वो चादर के नीचे छुपा के वो सिर्फ गेम खेलता था रात भर वो. बस ये उसका था स्कूल वाला टाइम. उसके बाद ट्वेल्थ में आ गया तो पबजी आ गया. तो पबजी आया तो उसका नेक्स्ट लेवल ही एडिक्शन हो गया था पबजी का. तो सुनता ही नहीं था किसी की बात, खाना छोड़ देता था. खाना वो खाता नहीं था क्योंकि उसको था कि खाना खा लेगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब उसका गेम वाला टाइम चला जाएगा. तो उस टाइम पे वो खाना छोड़ के गेम खेलेगा, खाना छोड़ देगा, इसीलिए आज वो भी थोड़ा सा पतला है. तो उसने उसका इस लेवल का जुनून था. और उस टाइम पे उसके ट्वेल्थ के बोर्ड थे तो पापा को था कि अच्छे कॉलेज में जाना है तो अच्छा पढ़ना पड़ेगा. तो पापा उसको बस यही बोलते थे कि पढ़ ले, तेरे को जो करना है तू कर लियो, बाद में कर लियो, अभी पढ़ ले. नहीं मानता था वो, बहुत जिद्दी था वो. बस उस टाइम पे फोन था रेडमी नोट 5, टूटा वूटा सब हुआ, उसी में खेला है, रात भर खेला है. और बताता भी नहीं था कि वो करना क्या चाह रहा है आगे. तो इसलिए हमको समझ नहीं आता था कि वो कर क्या रहा है. हम, मैं, मम्मी, पापा, हम तीनों बस बैठ के डिसाइड करते थे कि क्या करे कि ये गेम छोड़ दे. बहुत अलग अलग ट्रिक्स हमने ट्राई किए हैं. वाईफाई बंद करवा दिया था तो कह रहा है मैं बिल भर दूंगा. कहाँ से भरेगा खुद पता पता है नहीं, बस भर दूंगा. तो ऐसा सीन था. तो उसने मतलब उसको जिद थी कि मैं खेलूंगा, तुम लोगों को जो करना है करो, मैं खेलूंगा, मैं पढ़ लेता हूँ ना, पास हो जाऊंगा, बस चलेगा. तो पास ही हुआ था, खैर वो वैसे ट्वेल्थ में ऐसे कोई नंबर नहीं आए थे उसके. तो उसके बाद ये पीएमसी टूर्नामेंट था 2019 में, नवंबर में आए कैसे अक्टूबर में. तो उस टाइम पे उसने पापा को प्रॉमिस किया था कि मतलब वो भी देख रहा था कि हम बहुत तंग है, तो उसने प्रॉमिस किया था कि ठीक है ये लास्ट टाइम दे दो, मेरे को जाना है. अगर तो मैं कुछ कर लेता हूँ तो ठीक है, नहीं करता हूँ तो जैसे तुम बोलोगे मैं पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दूंगा, जो तुम बोलोगे वो करूंगा. तो उसका वो प्रॉमिस था कि ठीक है. तो पापा ने भी जाने दिया कि चलो ठीक है, अगर कह रहा है तो मतलब अगर पर कहता है कोई बात तो वो करता है, वो ऐसे फेंकता नहीं है. तो पापा को था कि ठीक है. और हम लोग अंदर से प्रे कर रहे थे कि इसकी बकवास खत्म हो, आए और पढ़ाई वढ़ाई शुरू करे. बट फिर वो गया टूर्नामेंट में, वहां पे वो सेकंड आया था. पापा भी गए थे देखने. तो बस पापा जिस दिन देखने गए थे उस दिन घर आए हैं. और वो मतलब मैंने उनको इतना खुश देखा है इतने महीनों बाद, बस मैं जानती हूँ, मतलब मेरे को रोना आ गया था कि पापा कितना खुश है बहुत से. तो बस वो टाइम था उसके, मेरे को अभी भी रोना ही आ रहा है. बस वही टाइम था. उसके बाद से सिर्फ अच्छा ही होता गया है. और मैं बहुत खुश हूँ कि पर ने उसको जो पसंद है उसने वो किया और बहुत अच्छा जा रहा है. आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम. तो मैं सेकंड डे गई थी टूर्नामेंट के, जब इनका टूर्नामेंट हो रहा था. फर्स्ट डे सिर्फ पापा गए थे, सेकंड डे मैं, मतलब पापा जब आए थे तो उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था तो मैं बहुत खुश थी. तो अगले दिन मैं गई थी, मैं मम्मी और भाई गए थे, बड़ा भाई मेरा. तो उसके बाद हम वहां गए तो पहली बात तो मुझे था कि मतलब बहुत भीड़, बच्चे थे बहुत सारे, बहुत चिल्ला, मतलब वो सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए भी उठता था तो बच्चे इस तरीके से चिल्लाते थे कि मेरे को था कि अच्छा यार तो पागल हो रखे हैं बिल्कुल ही. और प्लस मेरे को मतलब मैंने कभी देखा नहीं था कि ऐसे फोन वाले गेम देखने, ऐसे स्टेडियम में बच्चे आए हुए इतने सारे. तो वो बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मैंने पहली बार ही देखा था. उसके बाद मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट था उस टाइम का ये कि वहां पे गेम होने के बाद पूरी टीम सोल बैठी है और सब बच्चे लाइन लगाकर खड़े हैं सिर्फ ऑटोग्राफ लेने के लिए. तो इतनी लंबी लाइन देख के मुझे लगा था कि अच्छा ठीक है, मतलब अभी कुछ कर रहा है, अच्छी बात है. तो वो देख के जो फीलिंग हुई थी वो अभी तक की कि मेरे लिए, मेरे पापा के लिए, मम्मी के लिए बेस्ट फीलिंग थी. वो वीडियोस वगैरह मैंने बहुत ध्यान से रखी हुई है. पागल हो रहे थे, मुझे देखकर बोल रहे थे कि अच्छा ये उसकी बहन है. उस दिन वो जो मैं गई थी वो मेरे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा क्लोज है मेरे दिल के. हाँ वो बिल्कुल सेम है. बस वो ब्लॉग्स वगैरह में ये नहीं दिखाता कि कैसे वो मुझे धक्का दे देता है बेड से, अदरवाइज वो बिल्कुल सेम है. जो वो दिखाता है कि जैसा वो रहता है मेरे साथ ब्लॉग्स में या फिर अगर स्ट्रीम पर भी अगर वो कोई कुछ बोलता है तो वो बिल्कुल सेम है, वैसा वैसे ही वो बिहेव करता है. वो बिल्कुल वैसे भी फेक नहीं है जैसा वो स्क्रीन पे है. वो थोड़ा बहुत तो सब अलग होते हैं बट वो बिल्कुल सेम है, हर तरीके से वो बिल्कुल सेम है. मतलब मैं बहुत सारे हैं बट वो पीटेगा इसलिए मैं थोड़ा सा सेफ पल्ला बताती हूँ. उसको स्कूल टाइम का बताती हूँ. उसको फेसबुक का बहुत शौक था, मतलब फेमस होने का उसको शुरू से ही बहुत शौक रहा है. तो उसको फेसबुक का बहुत शौक था. तो दोस्त उसके दोस्तों फेसबुक पे, लेकिन
ऐप आती थी या पता नहीं कुछ लिंक आता था जिसमें तुम ऐसे फेक लाइक्स इकट्ठा कर सकते थे, अपने फोटो पे 20,000 लाइक्स लाने के लिए। दोस्तों में लेकिन लाइक इसके फोटो पे इतने हजारों में होते थे, तो उसको ये सब ऐसी अजीब अजीब चीजें करनी पसंद थी, बहुत सारी आईडीज बनानी, अजीब अजीब नाम रखने। पिकाचू स्पॉटेड। तो उसको इन सब चीजों का बहुत शौक था कि हाँ मेरी फोटो पे लाइक भले नकली आए पर नहीं करता। तो ये एक है जो मेरे ख्याल से अभी के किसी को पता नहीं होगा। पापा मम्मी बहुत खुश है, तू सोच नहीं सकता, तूने पहले जितना भी तंग किया है 1-1.5 साल में, तूने सारी चीजें ठीक कर दी है। मैं बहुत खुश हूँ कि तू इतने आगे है, और मैं यही होप करूंगी कि तू बहुत 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 आगे जाए और पापा मम्मी को और खुश करे। मैं भी बहुत खुश हूँ तेरे से, बट पापा मम्मी को देखकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो जितना परेशान रहते थे तेरे लिए, तूने बिल्कुल वो सारी चीजें चेंज कर दी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, एंड आई होप तू बस आगे जाता जाए और बहुत आगे जाए। आई लव यू।